फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज क्या है भाई, क्या है पता नहीं, जो भी है। आज डे कौन सा है? थर्सडे। हाँ, तो आज थर्सडे को मैंने हेयर वॉश किया है। कुछ वजह है, क्योंकि आज ना हमें एक शादी में जाना है, तो इसलिए फिर मैंने हेयर वॉश किया। कल नहीं किया था, मैं कहा आज कर लूंगी। और आज एक नहीं दो पार्टी है शादी की, तो आज दोनों में हमें, और दोनों को ही हमें अटेंड करना है, तो इसीलिए जाना पड़ेगा। तो अब मैं खाती हूँ खाना, मेरा हो गया खाने का टाइम, मुझे भूख लग रही है। मिलती हूँ आपसे। बच्चे तो ही पापा जी के साथ घूम कर आए हैं, खा रहे हैं अपना सब्जी वब्जी। सुबह नाश्ता भी गए थे वो, मैंने अच्छे से नाश्ता भी नहीं किया था, बस चाय और दो रस लिए थे, तो इसीलिए अब मैं अपना खाना खाती हूँ। खाना खाने के बाद इतनी तेज नींद आती है कि थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। तो थोड़ा आराम करके नेल पेंट भी लगा लिया है मैंने, ये कलर लगाया है। पैरों पे गोल्डन है, हाथों पे ये वाला कलर है, तो मैं थोड़ा रिलैक्स कर दूँ तो ये भी सूख जाएगी। हाँ बेटा, जो हनुमान जी थे ना और राम, वो ना कहीं ना कहीं देशों में गए थे, और फिर ना उनकी वो जो थी ना पत्नी, उन्हें ना रावण ने चुरा दिया था, क्योंकि चोर जो था ना उनने ना उसे चुराने का सोचा था। वो ना हिरण बन के घूम गया, फिर उन्हें ना पसंद आया हिरण, तो ना वो ना राम से कह दी। मैं उठ गई, इन्होंने उठाया मुझे, सो रही थी, ये आए, इन्होंने आवाज दी, मीनू मीनू। जब मैं उठी हूँ बड़ी गहरी एकदम नींद आ रही थी। कितने 15 मिनट मुश्किल से लेट पाई होंगी, 15 से 20 मिनट। तैयारी, बच्चे अभी भी बाहरी मतलब उस गाड़ी को चला रहे हैं, इतना अंधेरा हो गया। अरे आ जाओ अंदर। आंटी जी नमस्ते। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, अब आ जाओ अंदर। साक्षी आओ, रेडी कर दो बच्चों कपड़े निकाल के। क्या पहन के जाएंगे? देखो जीन्स और वैसे ही पहनाने में फ़ायदा है, जैकेट वगैरह फ्रॉक फ्रॉक तो इस सर्दी के टाइम में चलती नहीं। देखते हैं। मैंने तो अपना कर लिया रेडी, ये वाली साड़ी, आई चूड़ी नहीं बन गई मेरी, तो ये मैंने बैंगल सेट बनाया अपनी चूड़ियों का। ये ज्वेलरी रखी है जो मुझे पहन के जानी है। सही लग रहा है? कितने कितने घंटे चलाए? 1.5 घंटा तो आराम से, 2 घंटे आराम से हो गए, 2 घंटे से लगे हो। ये वाले पहन जाओगे क्या? कौन से पहन जाओगे? हाँ दीदी खाली मोड़ रही थी, मैं तो बताओ, दोनों के सेम है ये वाले तो। ये क्या है? तो इसमें रिशु की शूज है। हाँ बताओ ताक्षी, ठीक है ठीक है पहन लेना। मेरे ताक्षी के शूज नहीं धुल पाए, चलो मैं साफ कर दूंगी अभी, ठीक है? जो मर्जी वो पहन लो। बताओ ताक्षी आप कौन सा पहनोगे? मैं तो ये ब्लैक, ये हो जाएगी, ये हो जाएगा अंदर पहना दूंगी, ये हल्का सा स्वेटर है, ये हो जाएगा, आप अंदर भी कुछ पहन लेना। रेडी हो जाओ फिर हेयर बैंड लगा ले। ये कोई पार्टी वियर लग रहा है? अरे यार बंद, देखो एक ही शूज की चल रही है, चलो बस हो गया हो गया, ये ज्यादा दिन के लिए नहीं होती, थोड़े दिनों में ही खराब हो जाते हैं। चलो मैं पापा जी के लिए बनाऊं खाना, वो तो जान ही रहे क्या बनाऊंगा। करो भाई लेके 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 प्रभु का नाम, लेके प्रभु का नाम।
चलो मैं सब रख दूँ, इन्हें सेट कर दूँ, चलो पापा जी खाना दूँ। फिर खाना बनाई, किचन मैंने साफ कर दी, अब मैं होती हूँ रेडी। सो फ्रेंड्स, ये मैं हो गई रेडी। ये साड़ी मैंने 6 महीने में तीसरी बार पहनी है। बहुत इसके पापा को बहुत पसंद है ये साड़ी। मैंने एक हाथ में वॉच डाली है, एक हाथ में ब्लाउज से मैचिंग बैंगल्स, जो साड़ी के मैचिंग की थी नहीं, तो मैं कहा इससे मैचिंग कर लेती हूँ। ये रखी हुई है चोकर, और इसके साथ मेरा लुक कम्प्लीट। पर्स मुझे रखना अच्छा नहीं लगता, तो हाथ में फोन हो जाएगा हाथ में, वैसे ही पर्स की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। बताना कैसी लग रही है ये साड़ी, कमेंट करना। तो अब निकल रहे हैं हम 9 बजे, एक पार्टी अटेंड कर ली, एक में यही चले गए थे रिशु और हिताक्षी के पापा, और मैं और हिताक्षी जाएंगे घर पे। अब जा रहे हैं, आराम से चलना ठीक है, जल्दबाजी मत करना, कोई जल्दबाजी। हम ये ऊपर चढ़े, ये झूला झूल लिया। पेट में वो हो जाए गुलगुली सी। हाँ, मेरे पहले होती थी पर हम नहीं है? हाँ, जब जाते मंदिर जाते थे वो पहाड़ आता था। हम पहुंच गए वेन्यू पर, आ जाओ इधर से आना, इस साइड से कोई नहीं। हो गई हमारी एंट्री, और चाची को व्लॉग में लो, बोलो चाची अच्छे लग रहे हो आप। चाची यू आर लुकिंग सो गुड, थैंक यू। आंटी कहाँ है? अंदर है। ठीक है, लाओ, आओ आंटी से मिलेंगे। लो मम्मा, आ आंटी से मिलवा। आंटी नमस्ते, कैसी हो? बढ़िया। आंटी जी कौन? बहुत बढ़िया लग रही है, यही है सीधे बल्लू की साड़ी में। खाना अभी आई है? हाँ, बिल्कुल आगे इससे मुलाकात हुई, फिर आंटी से मिले। चलो आज पहले खाना खिला दूँ बच्चे को। जैसे वो लोमड़ी से घूमते, चलो खाना खाते हैं, आ जाओ अब खाना खाते हैं, आओ बच्चे चलो खाना खाएंगे। आ रहे आप, वो नहीं सुनेगा, आ जाओ खाना खाएंगे, आ जाओ चलो आओ। बहुत खुश मिजाज है, बढ़िया आंटी है हमारी। और क्या, मिल के दिन से अच्छा लगे, पॉजिटिविटी आए, वही इंसान अच्छा होता है कि नहीं होता आंटी? अच्छा ऐसे खाना खा लिया था आपने? अच्छा, वही वो भाभी जी जिनकी बेटी की आज शादी है, बहुत सुंदर लग रही हो। बढ़िया, बहुत अच्छा फंक्शन है आपका। दीदी नमस्ते, नमस्ते। अरे नहीं 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 भैया, आप ही बताओ, नन्ना आप नन्ना तो हमारी है, कभी कभार मिलना होता है, और उसमें भी आप ऐसे बोल रहे हो, ऐसे नहीं। कौन है ये? अपने यहाँ की लड़की है, पैर छूती, अपनी जानी छूती। मैं इनसे पूछी ना ये कौन है ब्लैक साड़ी वाली लड़की, तो कहे दीदी की है। मैंने कहा यार बड़ी हो साड़ी में और बड़ी लग रही है ना। सही है, अच्छी बात। ये कल्लू भैया आए, आप पगड़ी वगड़ी बांध के बिल्कुल नए गेटअप में, और कैसे चल रहा नेताजी, तैयारी बढ़िया हो गई? तैयारी चल रही। खाना खा लिया? अच्छा, नहीं।
पार्टी को बाय। और इन क्या बताऊँ मैं इनकी, आपकी कौन लगती है दीदी? कौन? ये तृप्ति। तृप्ति अब मैं चाची लगती हूँ। हाँ तो आपकी भतीजी हुई ना। हाँ। इनकी भतीजी की है शादी और ये भी जल्दी हमारे साथ में, तुम्हें तो रुकना चाहिए। ये भी एक शादी और अटेंड करेंगी, फिर उसके बाद दोबारा आएंगे। चलो ठीक है, बाय। बच्चे कहाँ गए? चलो अब हम चल रहे हैं, आप भी चलोगे थोड़ी देर बाद? टाइम लगेगा अभी। चलो ठीक। हाँ अच्छा, बाबा की, बाबा तो सो गए होंगे कब के। थोड़ी सी कचरी है। मुझे ये वाला डिजाइन बहुत अच्छा लगा, साइड वाला। हाँ ढोल बजवाया है अभी। कर लिए वहां से, एग्जिट हो गया हमारा, ढोल बजवा दिया, मजा आ गया। वो तैयार थे। आज बच्चों को ना अपने मामा की शादी याद आ गई है। बोल रहे मम्मा जैसे आप मामा की शादी में तैयार हुई थी ना, वैसे तैयार हुए हैं। भाई साहब कुछ लोग ना देख के डर गए थे उस मेकअप में। ये कौन है? ताकि आप बोल लेते। प्रॉब्लम पता क्या थी? लेंसेज तो हटा दिए थे मैंने यहीं पे ही। ताकि वो बोल रहे ये हटा दे अपनी पल कैसी ने देख के, मुझे तो डर सा लगा। वो आई लेंसेज वो थे वो हटाए फिर मैंने, वो तो मैंने थोड़ी देर बाद हटाए थे, तुरंत ही नहीं हटाए। कितना बढ़िया लगता है 3331 लिखा हुआ, इतना खर्च करा है बड़ा भाई। अगली गाड़ी ली तो नंबर यही लिया था। हाँ यही नंबर लेंगे। बच्चे कह रहे हैं कि मामी से स्पेशल मिलने गए थे रूम में है ना। हाँ। उस टाइम पे क्या कहते हैं कोई नहीं आता, मतलब बस रेडी। मामी बहुत सुंदर लग रही थी ना। हाँ। पर इतना मेकअप कर लिया था। मेरी मामी मौसी मम्मी पहले से सुंदर है। अरे ऐसा मत कर, मामी को कल देखेगी ना व्लॉग में तो डांटेगी तुम्हें, ऐसे बोलोगी। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा मेकअप हुआ था। तो ये हम आ गए अपने घर वाली गली में। पापा ही सो रहे होंगे। हमने एंट्री कर ली घर में, 11 बज रहे हैं अभी। पापा जी भी उठ रहे थे, उन्होंने गेट खोल दिया। कपड़े सेट करूं सारे, सब फैले हुए हैं रूम में देखना, यहाँ इनके ब्लेजर सारा सामान। फ्रेंड्स आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और कल मिलूंगी आपको एक नए व्लॉग के साथ। और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बाय, हैव अ नाइस डे।